तो मेरे खुद के नहीं आ रही बोल, सब चीज आई नहीं रही बोल, आई नहीं रही। हाँ नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। दिखा दो एक साल वाली टंकी पीने जा रहा हूँ। दारू पैसे की पी रहे अपन, पैसे की पी रहे तो पैसों की वो भी तो बनवा लो। तो अकाउंट में पैसा तो आना चाहिए सब्सिडी का, वो नहीं आ रहा। तो सरकार तो खरी है, खागी सरकार कहाँ से खागी, बीजेपी सरकार तो खरी है। जानू बोलो आपको, लोगों के 4 साल टंकी आती थी पहले, आजकल है ना गाँवों में जा रही है। मोदी सरकार ने बोला, मोदी जी ने कि है ना मेरा 1% काला धन हो ना नोटबंदी में, 1 रुपया काला धन का हो तो मेरे को जेल के किसी भी चौराहे पे घड़ा करके जला देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सारा हिसाब दिया 1-1 रुपए का, और है ना सब्सिडी कहा था मोदी जी ने, क्या ना जिनके 4-4 सब्सिडी दी है वो 3-3 ही लियो। हमारा मीडिया पे जाके देखा, आज तक पे जाके। अरे एक मिनट रुको, ये मोदी जी ने नोटबंदी करवाया उसका क्या फर्क पड़ा? नोटबंदी से 17% काला धन अभी निकल गया, 100% दिखा रहे सब। कितने जने कौन मर गया? मेरी लाइन में तो सभी लगे होते हैं, मोदी की माँ भी लगी थी लाइन में। तो क्या उसने छोड़ दिया परिवार, इसलिए बोल रहा हूँ आज आप। मोदी जी शादी होगी, हिम्मत होनी चाहिए। मोदी जी की शादी हो गई है? मोदी जी ने शादी नहीं करी, आरएसएस का नेता है। तो आज भी बोलता हूँ शादी हो गई, लुगाई है। कौन कहता है? पुष्कर माई थी अभी अगले महीने। वो ना आप जो बोल रहे हो ना वो आज तक पे आया था वायरल टेस्ट, उसमें अखबार में आ गई बलेसी। आज तक दुनिया का नंबर 1 चैनल है ना भारत का, उसमें वायरल टेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें ये सब झूठा करार दिया गया है। और है ना उसके बाद राहुल गांधी जो कह रहा था मैं शिव भक्त हूँ, मेरी फैमिली शिव भक्त है, वहाँ पे जाके उस पे सवाल उठ गया कि ये है ना गैर हिंदू है। क्या बात, ये सब्सिडी बंद हो जानी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? मैं तो भैया बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार आनी नहीं चाहिए। तो मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी? आप करो तो सही कोई काम। सब कुछ कर ली, बैंक में आधार कार्ड और पासबुक जमा करा दी, आज तक भी नहीं आ रही। आपके बीजेपी पे पोलिंग बूथ है ना।